डेट है आज 28 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इसने मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान बनाया है। ये अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, किसके लिए? मैरीटाइम सेक्टर और ये कोस्टल एरियाज़ पे जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं इनको डेवलपमेंट करने के लिए। पोर्ट क्या होते हैं? बंदरगाह होती है, बंदरगाह को बोलते हैं। जैसे ये अपनी कोस्टल लाइन है या कोस्टल लाइन के पास क्या है, कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं कि यहाँ पे आएंगे आके जहाज़ वगैरह जो शिप होते हैं पानी के वो रुकेंगे। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है ना, पोर्ट पे पहले माल लेके आते हैं, फिर जैसे इम्पोर्ट किया आयात किया यहाँ से पूरी कंट्री में बटेगा, या फिर हमारी कंट्री से कहीं बाहर एक्सपोर्ट करना है निर्यात करना है तो पोर्ट पे पहले लेके आएंगे और फिर उसे निर्यात करेंगे। तो इन पोर्ट, ये मेजर पोर्ट है कुछ और कुछ नॉन मेजर पोर्ट है, मतलब माइनर पोर्ट, इनके डेवलपमेंट के लिए एडवाइजरी बॉडी है ये मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये कब बनाई गई थी? 1997 में बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ के पास जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, ये आंध्रा, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये जो स्टेट कोस्टल एरियाज़ के पास हैं, इन स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने के लिए। कंसल्टेशन का मतलब है कि इनसे अनुमति लेगी, एक तरह से इनसे चर्चा करेगी, डिस्कशन करेगी और असेस करेगी कि फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना। ये असेस करेगी कि आगे फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग मेजर पोर्ट्स हैं या माइनर पोर्ट्स हैं और जो न्यू माइनर पोर्ट्स हैं उनका कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये किसने प्रोसेस से डायरेक्टली किया जा सकता है डेवलपमेंट? ये या तो डायरेक्टली किया जा सकता है, डायरेक्टली डेवलपमेंट जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली करे इनका डेवलपमेंट अपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी के, मतलब गवर्नमेंट कंपनी से कराए, या फिर कैप्टिव यूजर्स के थ्रू करा सकती है डेवलपमेंट। कैप्टिव यूजर्स उन्हें बोलते हैं, जैसे मान लो कोई मेजर या माइनर पोर्ट है वो प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है, तो प्राइवेट कंपनी के जो एंड यूजर्स हैं वो हो गए कैप्टिव यूजर्स। एंड यूजर को मान लो आप कैप्टिव यूजर्स, इनके जरिए करा सकते हैं या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के द्वारा, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों साथ आएंगी, वो मिलकर इसका डेवलपमेंट करेंगी। तो ये MSDC है, जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये माइनर पोर्ट्स के डेवलपमेंट को मॉनिटर करती है, कैप्टिव पोर्ट हों या प्राइवेट पोर्ट्स हों मैरीटाइम स्टेट्स में। मैरीटाइम जहाँ भी वर्ड आ जाए समझ लेना आप, ओशन समुद्र पानी की बात हो रही है, तो कोस्टल एरियाज के पास जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट है इनका माइनर पोर्ट्स का, उसको बस मॉनिटर करना, असेस करना और एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना, इसका काम है MSDC का। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सीबर्ड। प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है? ये भी क्या है, जो नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में, उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। मतलब जो हमारी नेवी है, नेवी की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कोस्टल एरियाज के पास, जैसे मान लो भाई साहब ये नेवी होगी हमारी, यहाँ पे काम करती है, समुद्र में निगरानी रखती है, सेना है हमारी, नौसेना। तो इसके लिए जो भी चीज़ चाहिए, मान लो पोर्ट चाहिए, पोर्ट इन्हें चाहिए अपने वीपन्स वगैरह रखने के लिए जगह चाहिए, या फिर इन्हें कोई फैसिलिटी चाहिए, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट सी बोर्ड के जरिए। तो ये लार्जेस्ट नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का, इंडिया का नेवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड। आपको बस इतना याद रखना है इसमें प्रोजेक्ट सी बर्ड किस से रिलेटेड है, तो इतना याद होना चाहिए कि नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा ये, और लार्जेस्ट प्रोग्राम है ये। कहाँ पे क्रिएट करेगा नवल बेस? एक नवल बेस बनाएगा। नवल बेस का मतलब है जहाँ पे नेवी के लिए जो भी चीज़ें जरूरत है उपलब्ध हों। ये कारवार रीजन है, ये कारवार रीजन मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में कर्नाटक के पास है ये कारवार रीजन। ये कारवार के पास यहाँ पे नवल बेस डेवलप करेंगे इस प्रोग्राम में। इंडियन नेवी के लिए लार्जेस्ट नवल बेस बनाया जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में, और स्वेज कैनाल से लेके यहाँ तक ईस्ट तक। स्वेज कैनाल आपको पता है कहाँ पे? ये देखो वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ पे देखो आपका ये स्वेज कैनाल है इजिप्ट के पास। स्वेज कैनाल से ईस्टर्न साइड में ये सबसे लार्जेस्ट नवल बेस होगा किसी कंट्री का, जो भी ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के जरिए बनाया जाएगा। ये जो आर्म्ड फोर्स है हमारी, उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बोल्स्टर करेगा। बोल्स्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, फोस्टर करना, बढ़ावा देना। उसकी ट्रेड को ऑगमेंट करेगा। ऑगमेंट का मतलब भी इंक्रेज होता है, बढ़ावा देना, प्रमोट करना। इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जो मानवता के बेस पे किसी कंट्री की सहायता करने जाती है। जैसे नेवी ने 2020 में वो ऑपरेशन सेतु चलाया था ना, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, ऑपरेशन सेतु।
ऑपरेशन सेतु चलाया था कि जो लोग फंस गए थे बाहर कोरोना की वजह से उनको बाहर निकालने के लिए, या फिर इसके द्वारा दोबारा ऑपरेशन सेतु सेकंड चलाया था ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड पे, मानवता के बेस पे सहायता करने के लिए लोगों को माल वगैरह बीमारी वगैरह के लिए दवाई वगैरह पहुँचाना, ये सब कुछ इसमें किया था नेवी ने। तो आपको प्रोजेक्ट सीवर्ड में इतना याद रखना, नवल बेस डेवलप करेंगे इसमें लार्जेस्ट इंडिया का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना लॉन्चेज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन तिब्बत क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। चाइना ने अभी इंडिया के बॉर्डर के पास फर्स्ट बुलेट ट्रेन तिब्बत में लॉन्च की है। तिब्बत में, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। ये देखो अपना हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, और ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ये ब्लू चाइना से बॉर्डर लगाता है। चाइना और इंडिया का बॉर्डर है ये ब्लू कलर का, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये यहाँ देखो चाइना ने तिब्बत में यहाँ पे ये रेल डेवलप की है। ऑलरेडी यहाँ पे एक रेल और है, यहाँ से यहाँ तक रेल लाइन है। ये न्यू ट्रैक डेवलप किया है जो रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको, रेड रेड। और यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, यहाँ से होते ब्रह्मपुत्र रिवर आके इधर इंडिया में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश से इधर घुस जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, इससे पहले यहाँ जो रेलवे लाइन है ये क्रॉस करेगी ब्रह्मपुत्र रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेगी। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को याद है आपको, पढ़ा भी था हमने इसको, यारलुंग जंगबो बोलते हैं, यारलुंग, यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो। तो चाइना ने अभी ऑपरेशनलाइज कर दिया अपना फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन इन रिमोट हिमालयन रीजन ऑफ तिब्बत। तिब्बत के रिमोट जो हिमालयन रीजन है, रिमोट का मतलब पहाड़ी इलाका, दूर दराज का इलाका जो होता है, मेन जो डेवलपमेंट एरिया होता है कंट्री का किसी का भी, उससे दूर वाला इलाके को बोलते हैं रिमोट एरिया। तो ये इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी ये। ये यहाँ पे एक प्रोविंस है, स्टेट राज्य है चाइना का, उसकी कैपिटल है ल्हासा। ल्हासा से लेके निंगजी तक कनेक्ट करेगी ये रेल लाइन, और तिब्बत बॉर्डर जो लगता है अरुणाचल प्रदेश के पास उससे होकर गुजरेगी। और जो सिचोन तिब्बत रेलवे लाइन है उसी का पार्ट है ये, सिचोन तिब्बत रेलवे लाइन यही है जो जा रही है, ये पूरा यहाँ से अभी यहाँ तक बनी है, ये पूरा यहाँ तक बनेगी। तो सिचोन रेलवे लाइन है जो ये, इसी का पार्ट है इसके। तो ये जो आपको एक तो देखो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ये जगह के नाम याद रखने हैं आपको कहाँ पे हैं, ल्हासा, निंगची, ये कहाँ पे चाइना में है सब तिब्बत में, और ये सिचोन, ये कहाँ पे हैं। तो ये रेलवे लाइन जो जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेगी, और ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में बोलते हैं यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो। तो यही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ईडी ट्रांसफर असेट्स वर्थ ₹8,441.50 करोड़ टू बैंक्स। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करती है ये बॉडी। इसने अभी लगभग 8,400 करोड़ रुपए की राशि अभी बैंक को दी है। किसकी है ये राशि? ये तीन तीन भाई साहब हैं, ये भगोड़े हैं, भगोड़े। ये इंडिया के बैंक से कर्जा लेके, लोन लेके और बाहर भाग गए। इन्होंने कर्जा नहीं चुकाया बैंक का, इंडिया के बैंक से कर्जा लिया, विजय माल्या, आप जानते होंगे सब विजय माल्या को, जो इसकी किंग फिशर कंपनी है इसकी थी, जो जहाज वगैरह चलाती थी, जहाज थे इसके किंग फिशर कंपनी के। नीरव मोदी को जानते होंगे आप, ये मेहुल चौकसी ये किए था डायमंड, ये नीरव मोदी डायमंड का व्यापारी था, और ये भी था कोई व्यापार करता था। इन्होंने क्या किया, बैंक से उधार लिया, कितना उधार लिया, बहुत सारा उधार लिया था भाई साहब। इन तीनों की संपत्ति जो थी मिला के, इन तीनों ने जो उधार लिया था वो लिया था लगभग 22,585 करोड़ रुपए इन तीनों ने मिला के उधार लिए थे, अलग अलग लिए थे तीनों ने, एक जगह कोई बिजनेस नहीं चलाते हैं, लेकिन तीनों का टोटल मिला के इतनी राशि है। लेकिन इनकी जो इंडिया में संपत्ति है, असेट्स है तीनों की, इन तीनों की असेट्स को बेच के, इन तीनों की असेट्स को बेचा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उससे जो पैसा आया लगभग इतने की असेट्स है, संपत्ति है इनकी 8,400 करोड़ रुपीज़ की, और इतने रुपीज़ की जो राशि है ये सब किसको दे दी, बैंक्स को, जहाँ से उधार लिया था। ये सारा मामला है। तो मामला इनका और पीछे बैकग्राउंड पूरा समझते हैं क्या है। देखो ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन पे जांच की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, देखो सिंपल भाषा में अगर कहें लॉन्ड्रिंग का मतलब, लॉन्ड्रिंग आप जानते हो लॉन्ड्रिंग क्या कहता है, लॉन्ड्री में क्या होता है, कपड़े धुलाई करवाते हैं ना, गंदे कपड़े को साफ करवाते हैं। इसमें मनी आ रहा है तो वर्ड मनी को, गंदी मनी को साफ कराएंगे। गंदी मनी कौन सी होती है भाई साहब, ब्लैक मनी को बोलते हैं जी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है जो काला धन है उसको वाइट करना, ब्लैक को वाइट करना, मतलब जो इल्लीगल तरीके से मनी कमाई है, अवैध तरीके से, उसको लीगल तरीके से, उसको मनी को लीगल बनाना, इल्लीगल मनी को लीगल बनाना,
ये प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था इन पे कि इलीगल मनी को ये लीगल बना रहे थे, छुपा रहे थे अपने धन को विदेश में लेके जाके, यहाँ से इलीगल तरीके से धन कमा के विदेश में छुपा रहे थे, कंसील कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। तो इन पे ये ईडी ने जांच की तो इन पे केस लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का। तीनों पर्सन्स पे इन्होंने क्या है, असेट्स को स्टैश करके रखा था। स्टैश का मतलब होता है छुपाना, टू कीप हाइड, छुपा के रखना अपनी असेट्स को। इस असेट्स का मतलब है संपत्ति, इसमें सब आ जाते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके पास गोल्ड हो, सोना हो, चाहे आपके पास पूंजी हो, कैपिटल, रुपया, पैसा, डॉलर, कुछ भी हो, सब असेट्स में, संपत्ति में सब आ जाता है। तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने एक डमी एंटिटीज़ बना रखी थी। डमी एंटिटीज़ का मतलब है कागज़ों पे कंपनी बना रखी है कि बाहर फॉरेन कंपनी है इनकी, और उसका प्रॉफिट है, ये यहाँ की अपनी कंपनी का प्रॉफिट उस कंपनी में दिखा देते थे और टैक्स वगैरह से बच जाते थे, और मतलब ये मनी वहाँ पर जा जाके अब फिर वहाँ से उस कंपनी में रजिस्टर करा के लीगल तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे इस तरह से। लेकिन जो तीन है, ये तीनों भाग गए ओवरसीज, मतलब फॉरेन में, विदेश में भाग गए तीनों, तीनों के तीनों। फिर इनका प्रोसिक्यूशन चला, कोर्ट में केस चला, कंप्लेंट रजिस्टर हुई तीनों, अब इन्वेस्टिगेशन हुई इन पे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चार्जेस लग गए, ये एक्ट बनाया हुआ एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, इसके चार्ज लग गए इन पे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एक्स्ट्राडिशन की, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यारपण, प्रत्यारपण बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यार्पण या प्रत्यारपण ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, मतलब समझो आप इसका मतलब क्या है। आपको हिंदी में अगर वर्ड बोलूँ मैं प्रत्यारपण, उसका भी मतलब नहीं पता होगा। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कोई मान लो हमारी कंट्री से या किसी भी कंट्री से दूसरे देश में आदमी चला जाए तो उसको वापस अपने देश में भेजना, ये इस गवर्नमेंट से हम कहेंगे। अगर इससे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रखी है हमने, संधि कर रखी है, तो इस देश से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब ये जो आया ना विजय माल्या, ये भगोड़ा है, यहाँ से अपराध क्राइम करके आया है और ये छुप गया आपकी कंट्री में आके, और इसको आप वापस भेजो। अब एक बात बताओ, आपके ये समझ आ रहा है कि मान लो ब्रिटेन में चला गया था, ब्रिटेन में विजय माल्या, विजय माल्या ब्रिटेन में चला गया था भाग के, तो ब्रिटेन में चला गया था तो इंडिया इसको सज़ा क्यों नहीं दे रहा ब्रिटेन में जाके, इसलिए नहीं दे सकता भाई साहब। कोई भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसका लॉ एंड ऑर्डर, जितनी उसकी टेरिटरी है बस उसमें ही चलता है। जैसे इंडिया की जो टेरिटरी है ये इंडिया के अंदर चलेगा, और लक्षद्वीप इसकी टेरिटरी है, और अंडमान निकोबार, यहीं तक इसके लॉ चलेंगे। इंडिया की भूमि पे अगर अपराध किया है, इंडिया की भूमि पे जो लॉ बने हुए हैं वो ही लॉ लागू होंगे इसकी भूमि पे है। तो अगर ये भाग के नेपाल से भी चला गया ना तो ये इस पे ये नहीं होगा लागू। अगर नेपाल उसे शरण दे देता है, जैसे ब्रिटेन ने, ये ब्रिटेन में जाके छुप गया, शरण ले लिया, वीज़ा ले लिया ब्रिटेन से, और ये वहाँ पर जाके रह रहा विजय माल्या, तो अब इंडिया के लोग वहाँ नहीं चलेंगे। बस क्या कर सकते हैं, अगर इंडिया ने ब्रिटेन से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रखी है, इंडिया ने ब्रिटेन से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रखी है, तो ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब ये भगोड़ा विजय माल्या आपके पास आके छुपा हुआ, इसे हमारे पास भेज दो, इसकी ठुकाई करनी है। तो अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करनी है तो ब्रिटेन फिर प्रोसेस चलाएगा इसको, इसकी जांच करेगा, हाँ ये क्राइम करके आया है, और तो फिर इसको भेज देंगे, समझे। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है एक्स्ट्राडिशन में। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, विजय माल्या को वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए, कि इसे इंडिया में वापस भेजा जाए, ये क्रिमिनल है, ये अपराध करके आया है, वहाँ से भगोड़ा है, इकोनॉमिक ऑफेंडर है ये। इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है जानेंगे अभी हम, मतलब जो इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है यानी कि पैसे की लेन देन की बात हो रही है कुछ, इसने पैसे की जो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है, तो यही है कि पैसा लेके नहीं देना और फिर भाग जाना और उस पर अरेस्ट वारंट निकल जाना, हाँ का जो पुलिस है अरेस्ट वारंट निकाल देती है कोर्ट कि इसे अरेस्ट करो, वही होता है इकोनॉमिक ऑफेंडर। पूरा डिटेल में समझेंगे अभी हम। तो ये भाग गया था नीरव मोदी, विजय माल्या, ये विजय माल्या चला गया था एक्स्ट्राडिशन का, अभी इसने बोल दिया वहाँ के मजिस्ट्रेट ने, वेस्ट मिनिस्टर, वहाँ की एक जगह है लंदन में, एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर, लंदन में, वेस्ट मिनिस्टर में ही लंदन का पार्लियामेंट है, मतलब ब्रिटेन का पार्लियामेंट कहा, लंदन की जगह है वेस्ट मिनिस्टर, और उसी इसी वजह से वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं उसके पार्लियामेंट के रूल्स वगैरह को, जो हमारे इंडिया में भी लागू होते हैं। तो ये वेस्ट मिनिस्टर का एक जगह है, उसका जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था उस कोर्ट ने आदेश दे दिए कि विजय माल्या पे चार्जेस लगे हैं वो सही हैं और इसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए। इसके बाद प्रोसेस होता है कि यूके के हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। अब यूके का हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ इस कोर्ट का सही है मानना, ये भगोड़ा है, इसको वापस भेजा जाए। लेकिन उसके बाद एक और चांस बचता है माल्या के पास कि यूके के होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रखा है, तो इसने रिक्वेस्ट डाल रखी है कि मेरा एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाए और मुझे यहाँ पे शरण दी दी जाए। तो यूके के होम मिनिस्टर के पास अभी इसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। अगर यूके के होम डिपार्टमेंट ने
बोल दिया कि नहीं ये क्राइमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल है, क्राइम करके आया, इसे भेजो, तो फिर ये भाई साहब को इंडिया लाया जाएगा और फिर इसकी ठुआई की जाएगी, समझ गए। अब ये वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, इसने जो नीरव मोदी है, नीरव मोदी का भी एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर दे चुका ही है वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट। और ये जो मिस्टर चौकसी है, मेहुल चौकसी, ये जाके छुपे हैं डोमिनिका में, अभी इनको पाया गया है। डोमिनिका एक कंट्री है भाई साहब, कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा आपने, वहाँ पे बीच में कैरिबियन सी है, नहीं देखा, कई बार दिखाया मैंने आपको, ये देखो बड़ा हो जा भाई, ये देखो आप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके पास ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के पास ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, छोटे छोटे से आइलैंड कंट्री, आइलैंड कंट्री दिखाई दे रहा है, ये वाले कंट्री जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखो डोमिनिका, ये डोमिनिका, डोमिनिका दिखाई दे रहा है कंट्री, इस वाली कंट्री में जाकर छुपका है ये मेहुल चौकसी, समझ रहे हो। अभी इसको इंडिया ने ढूंढ लिया है कि यहाँ पे जाकर छुपा है, अब इसका प्रोसेस चलाया जाएगा वापस लाने का, फिर इसको लाकर फिर इसकी ठुकाई की जाएगी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, सारा इश्यू क्या था हमने जान लिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 में, 1 मई 1956 में हुआ था इसका, और इसका जब नाम था ना, पहले पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं था, पहले इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट था जब बनाई गई थी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर काम करती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। देखो भाई साहब, यूपीएससी ने बहुत बार ये भी पूछ लिया है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई कौन सा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, ये आप जो भी न्यूज़ में रहे ना उसे हल्के में मत लिया करो, लेकिन अगर आपने 10 साल के पीछे क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो प्लीज़ आप पहले तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, और मैं देखो बार बार कहता हूँ अपने लेक्चर में, आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी निकालने के लिए, आपका गुरु यूपीएससी का सिलेबस है, सिलेबस और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर, प्री मेंस के सबके, ना आपको इंटरव्यू की कोचिंग लेने की ज़रूरत है ना किसी को। देखो इन्होंने क्या है, बिजनेस चलाने के लिए कोचिंग सेंटर ने, भाई साहब मेंस निकल गया, आओ इंटरव्यू लो, ये लो फलाना लो, पैसे कमाते हैं। अब वो क्या देते हैं इंटरव्यू में, वो तो भाई साहब आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसमें क्या आप निखार करोगे, वो 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में क्या निखार कर देंगे आपकी पर्सनैलिटी में। इंटरव्यू में सिर्फ इतना होता है, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया भाई साहब यूपीएससी का, उसमें सिर्फ इतना होता है आपके जो ऑनेस्टली आपको बोलना होता है, बस आप अपने बारे में कुछ झूठ मत बोलो, और वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपको कुछ नहीं भी पता है तो वो देखो आपका ज्ञान देख चुके हैं मेंस तक, आपने मेंस पास करके आए हो इंटरव्यू में, समझ रहे हो, तो वो आपका नॉलेज नहीं कन्फर्म कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपके इंटरव्यू पे क्या देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आप ऑनेस्टली देख रहे हैं, आपकी एथिक्स देख रहे हैं, आपके अंदर क्या है, तो वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो नहीं हो, ये सब कुछ चेक कर रहे हैं आप में। तो आप देखो कोचिंग के चक्कर में फंसोगे ना आप, मैं सही बता रहा हूँ, आपके 1-2 साल बर्बाद हो जाएंगे, और कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा था डायरेक्टली करना क्या है, ये कह देंगे इतनी सारी बुक पढ़ो, हमें भी कोई, मैं सही बता रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों बुक पढ़ दी थी, सैकड़ों बुक, समझ रहे हो, और इनसे क्या टाइम ही वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है इनसे और कुछ नहीं होता। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपको यूपीएससी का सिलेबस और उसके क्वेश्चन पेपर प्री मेंस के, और कुछ नहीं करना है आपको, तीसरी चीज़ कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अपने इस पर, एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया आपका। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये काम करता था पहले जब बनाया था 1956 में। आज भाई साहब गर्मी बहुत है और पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, फ़ैन चला नहीं सकता, फ़ैन की आवाज़ आएगी अगर रिकॉर्ड करूँगा तो, 1 सेकंड में पानी पी लूँ भाई साहब। तो ये इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर जब ये बनाया गया था, और किस लिए बनाया गया था, एक एक्ट था फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1947 का। अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो ये इन्फोर्समेंट जो यूनिट थी वो उसके खिलाफ केस देखेगा। लेकिन 1957 में बनाया था, कब बनाया था, 1956 में, अगले ही साल इसका नाम चेंज कर दिया, इन्फोर्समेंट यूनिट से बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर ये डाल दिया। प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर काम करता है, और ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन कौन से एक्ट के खिलाफ ये एक्शन लेता है, अगर कोई भी आदमी, फेमा एक्ट, पहले ये फेरा था, फेरा को चेंज करके 1999 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको बदल के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया 1999 में, और एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो इन एक्ट को लागू करने के लिए, इनके अगेंस्ट कोई वॉयलेट करता है इन एक्ट को, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।
तो आपको ये दोनों एक्ट याद रखने हैं कि ईडी कौन से एक्ट के खिलाफ एक्शन लेता है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कंपोजिशन क्या है, इसमें मेंबर कौन होते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में? एक तो देखो कुछ पर्सनल होते हैं इसके, पर्सनल का मतलब कर्मचारी, इसके कुछ पर्सनल होते हैं वो डायरेक्टली, एक तो उनका रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, जैसे आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है ऐसे इनका भर्ती होती है, और कुछ डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कस्टम या सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है उनसे, इनकम टैक्स से लिए जाते हैं, कुछ पुलिस से, कुछ डेपुटेशन पे अधिकारी लिए जाते हैं। अब इसके और फंक्शन क्या हैं ईडी के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के? एक इसका फंक्शन है कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसिव ऑफेंडर एक्ट है 2018 का, इसके अंडर जो भी फ्यूजिटिव हैं उनके केस की प्रोसेसिंग करना। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, हमारे देश से जो भाग जाता है क्राइम करके, इकोनॉमिक क्राइम करके। ये जैसे मान लो और कोई हुए, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये 1974 का एक्ट है, कॉपेपोसा एक्ट। अगर इसके इसके अगेंस्ट भी कोई वॉयलेशन करता है तो इसके अगेंस्ट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में उसको वो कैद कर सकता है ईडी। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जैसे मान लो किसी पे शक हो कोई अपराध करने वाला है और क्राइम करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लें। एक तो होता है आपने अपराध कर दिया उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाए, उसे बोलते हैं प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कैद, प्यूनिटिव का मतलब पनिश करना, आपने कोई अपराध किया उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो प्यूनिटिव डिटेंशन, लेकिन आपने कोई क्राइम नहीं किया बस शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये कर सकता है ईडी अगर ये इस एक्ट का उल्लंघन होता है तो। इसके लिए स्पेशल कोर्ट भी डिक्लेयर किए हुए हैं, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट ये हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके सेक्शन 4 के जरिए इन ऑफेंसेस को, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध क्राइम, इन अपराधों को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके, सहमति करके कुछ सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और इन्हें पीएमएलए कोर्ट भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट की जो भी सेक्शन है उनको लागू करने के लिए काम करते हैं और कोर्ट, और उन्हें सजा देते हैं जो कोई वॉयलेशन करता है। कोई भी अपील हो इसके अगेंस्ट, मान लो पीएमएल कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया इसके अगेंस्ट, कोई भी अपील करेगा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी जिस स्टेट में बना हुआ है उसके हाई कोर्ट में। तो अब ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्या, थोड़ा इसके बारे में भी देख लो आप। ये इसलिए बनाया गया था, कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब आर्थिक आर्थिक कोई मान लो बैंक से पैसा लिया, उधार लेके भाग गया, लोन नहीं दिया, चुका नहीं पाया और यहाँ से भाग गया और उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वो हो गया इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, सीज करना उसकी प्रॉपर्टी को जो यहाँ पे है, जो इसकी कंट्री में, जैसे यहाँ पे इंडिया में छोड़ के चला गया बाहर देश में, तो उस पर क्या है उसको इस एक्ट के खिलाफ, इस एक्ट के लिए एक्शन लेते हैं उस आदमी के खिलाफ जो इस एक्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन करता है, मतलब इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं उसको, ताकि वो कंट्री में वापस आए। अब ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो अगर मेंस में आए तो। ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट हैज बीन इश्यूड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस लिस्टेड इन द एक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द ऑफेंस इज एटलीस्ट 100 करोड़। अगर किसी ने 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ रुपये उधार लिए हैं किसी बैंक से और उसे नहीं चुका पा रहा है और उस पर अपराध लगे हैं उसके खिलाफ, मान लो वो भाग गया चुकाने से, नहीं दे रहा, वो दे ही नहीं रहा है, मन अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, वॉलंटरी उसके पास है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है और वो अपनी कंट्री को छोड़ के चला गया है, तो उसको बोलेंगे क्या, इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। कुछ ऐसे अपराध हैं जो लिस्टेड किए हुए हैं जिनके जिनमें उसे इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर वो मान लो किसी गवर्नमेंट स्टैम्प को काउंटरफेटिंग करेगा या करेंसी को, मतलब काउंटरफेटिंग का मतलब होता है नकली बनाना, फेक करेंसी बनाना, फेक नकली, और अगर वो करेंसी नकली करेंसी बना के बेचेगा या फिर वो किसी सरकारी स्टंप लगी हुई है, मान लो किसी मजिस्ट्रेट की स्टंप को नकली बना के काम करेगा तो उसे इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर चेक डिस ऑनर में, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में, या फिर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर में, मतलब कोई फ्रॉड करेगा ट्रांजेक्शन में पैसे के लेन देन में तब भी उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या है, हमने जान लिया मनी लॉन्ड्रिंग किसे बोलते हैं, कंसीलिंग या डिसगाइजिंग, दोनों का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना, किसी भी केस में जो इलीगल तरीके से मनी कमाई है उसको छुपाता है और फिर उसे लेजिटिमेट प्रोसोर्स से दिखाता है, मतलब इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाई हुई मनी को छुपाता है और फिर उसे इलीगल तरीके लीगल तरीके से दिखाता है,
अवैध तरीके से कमाई हुई मनी को यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करता है, इस प्रोसेस को छुपाने के प्रोसेस को और उसे लीगल दिखाना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे, काफ़ी देर हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक पे, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। देखो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक टास्क फोर्स है, बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में बनाई गई थी। इसकी दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। जब भी कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री में किसी को शरण देता है या पैसे देता है तो उसे पहले ये ग्रे लिस्ट में डालती है और फिर दो तीन बार मौका देती है। अगर इसकी बात को नहीं मानता, तो फिर क्या करती है, फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू लिया हमने। तो अब ये पाकिस्तान को दोबारा से इसने बोल दिया, पहले ही डाला हुआ था, इसे 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था इसको पाकिस्तान को। तो FATF ने अभी इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, इससे बाहर नहीं आएगा। इसे इसलिए डाला था क्योंकि पाकिस्तान ने शरण दे रखी है हाफिज़ सईद को। हाफिज़ सईद एक आतंकवादी है, टेररिस्ट। UN ने, यूनाइटेड नेशन ने इसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है हाफिज़ सईद को। और जैश मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद, उसके चीफ है मसूद अजहर। ये दोनों पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनके खिलाफ़ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है और इन पे आरोप लगे हैं। इन्होंने 26/11 का अटैक किया था। 26/11 का अटैक किया है, 26/11 का अटैक है भाई साहब, ये आतंकवादी अटैक किया था। ये कहाँ पे, इंडिया में, मुंबई में ताज होटल में किया था 2018 में, 2008 में सॉरी 2008 में किया था, 2008 में ये अटैक किया था, 26/11/2008 को। तो इसलिए इसे 26/11 ही बोलते हैं। 26/11 का मतलब ये 11वां महीना, नवंबर में, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को 2008 में किया था, इसलिए 26/11 बोलते हैं इसे। इनके अगेंस्ट केस चल रहा है इस अटैक के लिए। इन्होंने अटैक में ये भागीदार थे, हाफिज़ सईद और मसूद अजहर। लेकिन पाकिस्तान से जो FATF ने बोला था कि ये एक्शन लोगो, इनके खिलाफ़ इनके फंडिंग रोको, इनके अगेंस्ट केस चलाओ, इन्हें कोर्ट में लेके आओ, इन पर सज़ा दिलाओ, गिरफ्तार करो, और जो भी कहा था ये पाकिस्तान ने नहीं माना। तो इसे कहाँ पर डाल दिया, दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा। इसे पहले से ही डाल रखा था, फिर ग्रे लिस्ट में रखा, 2008 में डाला था इन्हें ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान से कहा था 27 एक्शन लेने के लिए कि 27 आइटम पे वो एक्शन लेगा, लेकिन उसने सिर्फ 26 पे लिया, एक आइटम पे नहीं लिया, तो इसलिए फिर दोबारा उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा FATF ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FATF का, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, अब जल्दी से रिवाइज करेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना रखा अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, पसीने में मैं नहा रहा हूँ बस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, 1989 में बनाई गई थी, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब सारी बहुत सारी गवर्नमेंट एक साथ आई और ये बनाई। G7 कंट्री है, 7 कंट्रीज़ का ग्रुप, US, कनाडा, जापान है इसमें, और UK और आपका फ्रांस और इटली, ये 7 कंट्री हैं। ये आई, 7 कंट्री होगी, 6 होगी, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये 4 यूरोप की कंट्री होगी, और US, कनाडा होगी नॉर्थ अमेरिका से, और जापान होगी एशिया से। ये 7 कंट्रियों का ग्रुप है G7। G7 ने कहा था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए, तो उन्होंने FATF को बनाया। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी बनाती है पूरे वर्ल्ड वाइड, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाती है, रिफॉर्म करवाती है वेरियस एरियाज में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जो OECD का हेडक्वार्टर है ना पेरिस में, उसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट FATF का। और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है, कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 1961 में बनाई थी ताकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाया जाए। ये डेवलप्ड कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके रोल और फंक्शन क्या है FATF के, इसका फंक्शन है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे लड़ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोकना, यानी कि ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकना, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, मतलब जो क्या है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं आतंकवादियों को, उसको रोकना। और एक इसका 2012 में एम ऐड किया गया था, वो था कि वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रोलीफ्रेशन से रोकना। प्रोलीफ्रेशन का मतलब था स्प्रेड करना, कि मान लो कोई ऐसे, वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है ऐसे हथियार जो एक समय में बहुत सारे लोगों को मार दे, जैसे एटम बम हो गए, न्यूक्लियर बम, आपके हाइड्रोजन बम हो गए। तो ऐसे हथियार कोई कंट्री डेवलप ना करे, इसके लिए कोई फाइनेंसिंग ना दे, पैसा ना दे किसी दूसरी कंट्री को, ऐसे फाइनेंसिंग को रोकना। तो इसका ये एम है, टारगेट है। इसके कंपोजिशन क्या है, इसके 37 मेंबर कंट्री हैं, इसके जो मेंबर हैं 37 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके मेंबर हैं, इस कंट्री के, मतलब इस FATF के। इसकी दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT शॉर्टकट में ये भी बोलते हैं, किसको, ब्लैक लिस्ट को।
तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एनसीसीटी है क्या, तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट है ये। इसमें जब डालते हैं कि मान लो कोई कंट्री फंडिंग दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है कोई कंट्री डायरेक्टली, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, समझ गए, या फिर ग्रे लिस्ट में डालते हैं। ग्रे लिस्ट में तब डालते हैं जो आदमी, देखो जब कोई कंट्री डायरेक्टली टेरर फंडिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के सपोर्ट कर रहा है, जैसे मान लो पाकिस्तान दे रहा हो, पाकिस्तान टेरर फंडिंग दे रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैसा दे रही हो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, खुद मनी लॉन्ड्रिंग को एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो टेरर फंडिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और उसको शरण दे रहा है कोई देश, जैसे पाकिस्तान शरण देता है मसूद अजहर, ये जो आतंकवादी हैं उनको शरण देता है, मतलब शेल्टर देता है, शेल्टर का मतलब है शरण, उन्हें अपने घर पे रखता है, अपनी ज़मीन पे रखता है, तो ऐसी कंट्री को डालते हैं ग्रे लिस्ट में। लेकिन उसे मौका दिया जाता है 2-3 बार, अगर वो एफ ए टी एफ की बात नहीं मानता है तो फिर उसे ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, समझ गए। फिर यही समझा जाता है कि कंट्री खुद उसे टेररिस्ट फंडिंग को बढ़ावा दे रहा है खुद अपने आप, इसलिए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो इन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब क्या है, फ़ायदा नुकसान क्या होता है? देखो फ़ायदा नुकसान ये होता है, नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। जैसे मान लो अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है तो इसके क्या है, इकोनॉमिक सेंक्शन लग जाएंगे। कहाँ से? इकोनॉमिक सेंक्शन का मतलब है आर्थिक प्रतिबंध, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से लोन नहीं मिलेगा इन्हें, लोन नहीं मिलेगा। जो आपके IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और अदर कंट्रीज हैं, मतलब ना तो लोन मिलेगा और इन पे सैंक्शन प्रतिबंध लगा देंगे, इन्हें किसी और कंट्री से लोन भी नहीं लेने देंगे, इंटरनेशनल ट्रेड उनकी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब सब कंट्री उनसे ट्रेड करने में, व्यापार करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे ना कि इस पे सैंक्शन लगे हुए हैं, हो सकता है इस पे प्रतिबंध लगा दे और हमारा जो माल फंसा हुआ है कंपनी का वो पाकिस्तान में फंसा रह जाए, तो उन इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह रुक जाती है, और इंटरनेशनल बॉयकॉट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार करते हैं उस कंट्री का, इससे ट्रेड मत करो, इस पर ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, इससे ट्रेड मत करो, ऐसे कुछ नुकसान हो जाते हैं उस कंट्री के। तो अब ये टॉपिक थे आज के, अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज भाषाएं यूज होती हैं हमारी कंट्री में, तो ये कौन कौन सी डिवाइड किया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इस पार्ट 17 में। पार्ट 17 में कितने पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 पार्ट है ना, आपने पढ़ा होगा, 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, तो 22 पार्ट है, 22वें नंबर जो 17 नंबर का पार्ट है उसके बारे में बताना, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड की हुई है। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड टैक्स ऑफ लॉज, मतलब जुडिशरी के लिए, कोर्ट के लिए लैंग्वेज, तो ये इन कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, 1, 2, 1, 1, 3 या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, तीनों में डिवाइड की हुई है। नेक्स्ट आपको बताना है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन वगैरह आते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट, गलत कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन है, पूरे वर्ल्ड के 1/4 साइक्लोन इसमें ही डेवलप होते हैं, मतलब 1/4, 25% जो साइक्लोन चक्रवात आते हैं वो सिर्फ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ही डेवलप होते हैं पूरे वर्ल्ड का। ये जो बे ऑफ बंगाल है ये वाला इंडिया के साइड में, और ये अरेबियन सी है इंडिया के साइड में, इंडियन ओशन के पार्ट, इसमें पूरे वर्ल्ड में जितने साइक्लोन आते हैं उसके 1/4, तो 25% तो इन दोनों में आते हैं, क्या ये बात सही है? आपको इनकरेक्ट बताना, अगर गलत है तो आप गलत का निशान लगाओगे। नेक्स्ट बताना है कि आपको ये अरेबियन सी में जो साइक्लोन है वो, और मानसून जो आती है, मानसून की वजह से साइक्लोन आ रहे हैं और मानसून आ रही है अरेबियन सी के द्वारा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हुई है, साइक्लोन की भी और मानसून की भी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज हुई है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है, सही नहीं बताना। देखो पहला ही गलत है क्योंकि दोनों को मिलाकर 25% नहीं बल्कि वर्ल्ड का केवल 7% के लगभग ही साइक्लोन आते हैं, दोनों में 25% नहीं आते भाई साहब, तो गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना, ए गलत है। दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पे प्रभाव पड़ा है, साइक्लोन पे भी और मानसून पे भी अरेबियन सी में। नेक्स्ट आपको बताना है पार्लियामेंट क्या है, उसके पास पावर होती है, आपको करेक्ट बताना, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो रेजिडेंस प्रेस्क्राइब कर सकता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर, एक क्राइटेरिया, अगर किसी को सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए, अगर मान लो भाई साहब किसी को रोजगार देना है या किसी की अपॉइंटमेंट करना है तो रेजिडेंस के आधार पे, जो निवास स्थान होता है उसका, उसके आधार पे पार्लियामेंट कुछ रोक लगा सकता है क्या? नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस ऑफ सिटीजन इन इंडिया,
ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो दिए हुए हैं, कहीं पे रहने का अधिकार सिटीजन को और घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 में, ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इन पे पार्लियामेंट। और कौन सी किसके बेस पे लगा सकता है, कोई भी शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए, उस शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आदिवासियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए पार्लियामेंट इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है क्या, तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1, 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है भाई साहब रेस्ट्रिक्शन लगाने की, वो रेजिडेंस के बेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नेक्स्ट आपको बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वाइडर बॉडी है, और कैबिनेट मिनिस्टर स्मॉलर बॉडी है, ये छोटी बॉडी है कैबिनेट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी बॉडी है। कैबिनेट इंप्लीमेंट करता है जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की जो मीटिंग है फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार होती ही रहती है लगभग कलेक्टिव फंक्शन के लिए, तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, पहला दूसरा, पहला सही 1, 3 या 2, 3। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो बहुत रेयर मीटिंग होती है, कैबिनेट की फ्रिक्वेंटली बल्कि होती रहती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें दोनों का लिखा है। और कैबिनेट मिनिस्टर इंप्लीमेंट नहीं करते भाई साहब, कैबिनेट तो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट तो भाई साहब उसे कौन, ब्यूरोक्रेसी करती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दो, ये 2, 3 जहाँ पे काट दो दोनों गलत हैं, हमें करेक्ट बताना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला सही है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही आता है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, कैबिनेट होता है और मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर वाइस मिनिस्टर होते हैं, मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, छोटे मिनिस्टर, तो ये होते हैं 3 पार्ट, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना हो, संविधान संशोधन लाना हो, तो उसका प्रोसीजर कैसे है, कौन कौन ला सकता है, इसके बारे में स्टेटमेंट दूंगी आपको, करेक्ट बताना है। कोई भी प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, पार्लियामेंट में मान लो इंट्रोड्यूस करना हो बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता? प्राइवेट मेंबर होता है वो जो भी मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्हें छोड़ के बाकी के चाहे रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के, सबके जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब प्राइवेट मेंबर में आते हैं, समझ गए। अब आपको सेकंड बताना है कि प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, के क्या मतलब के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, क्या ये सही है? नेक्स्ट आपको बताना है स्पेशल डेज रिजर्व किए होते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना हो, तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, आपको बताना है फर्स्ट 1, 2 सेकेंड या 1, 3 या नन ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी स्पेशल डेज नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर इंट्रोड्यूस करना हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन फर्स्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, जरूरी नहीं है उसे वो करे, मिनिस्टर ही करे या कोई मिनिस्टर करे या कैबिनेट मिनिस्टर करे, ऐसा जरूरी नहीं है, तो सिर्फ ओनली बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नहीं, इतने ही थे आज, आज का टॉपिक कवर हुए।